Hello friends, welcome to our channel Mining Group. Today I am going to discuss about OPENCAST benches and haul road parameters. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 105 रेगुलेशन नंबर मैनुअल OPENCAST माइनिंग, जिसमें हम कोल बेंच, लूज रॉक बेंच और हार्ड रॉक बेंचेस की पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, कोल बेंचेस, जिसमें हम कोल बेंच का हाइट है 3 मीटर्स रखा जाता है, मैक्सिमम हाइट 3 मीटर्स होता है और विड्थ ऑफ द बेंच उसकी हाइट से कम नहीं होनी चाहिए और द स्लोप ऑफ द बेंच 45 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लूज रॉक बेंच, लूज ओबी बेंच। जो बेंच होती है ना, वो ओबी से बनाई जाती, जो लूज मटेरियल जो होती है ना, सैंड, क्ले, ग्रेवल, उस बेंच में हम ये पैरामीटर्स फॉलो किया जाता है, जिसमें हम हाइट 1.5 मीटर से अधिक रहता है और उसकी विड्थ उसकी लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए, तो स्लोप आके 45 डिग्री रहता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हार्ड रॉक बेंचेस। तो बेंचेस बनते हैं ना हार्ड रॉक्स लाइक सैंड स्टोन, शेल, उस बेंचेस में हम ये पैरामीटर्स अप्लाई किया जाता है, जिसमें हम हाइट ऑफ द बेंच 6 मीटर्स रखे जाते हैं मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ उसकी हाइट से कम नहीं होनी चाहिए, स्लोप ऑफ द बेंच 45 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। सो अब तक हम बात किया है 105 रेगुलेशन, अब बात करने वाले हैं 106 रेगुलेशन मैकेनाइज्ड OPENCAST, जिसमें हम OC मशीनरी से यूज़ करके किया जाता है। इसमें भी हम दो टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम कोल एंड हार्ड रॉक बेंचेस और लूज रॉक बेंचेस देख सकते हैं। नंबर वन, कोल एंड हार्ड रॉक बेंचेस। जो बेंचेस होते हैं ना, वो कोल या घट रॉक पत्थर से बने होते हैं, उस बेंचेस में ये पैरामीटर सूट किया जाता है, जिसमें हम बेंच का हाइट जो डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकवेटिंग मशीनरी से कम नहीं रखते हैं, जो शावल बरतते हैं ना माइन में, उसकी डिगिंग डेप्थ से अधिक नहीं होना चाहिए और विड्थ ऑफ द बेंच उसकी हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। हम बात करने वाले हैं लूज ओबी बेंचेस इन मैकेनाइज्ड OPENCAST। द लूज ओबी बेंचेस हैविंग द हाइट 3 मीटर्स एंड विड्थ आल्सो 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द बेंच। तो बेंच की हाइट से 3 गुना होती है उसकी चौड़ाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू स्ट्राइक द लाइक बटन। तब तक के लिए रहता हूँ, आपको फिर मिलूँगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद।